रेडमी लॉन्च करने वाला है अपना न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है रेडमी 8A। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडमी 8A के बारे में। फर्स्ट इसके कुछ हाइलाइट्स की बात किया जाए तो इस फ़ोन में आपको स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है। ये एक बजट सेगमेंट वाला फ़ोन होगा। एंड इसके अगर नेक्स्ट फीचर की बात किया जाए तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें आपको USB-C केबल मिलेगा एंड हेडफोन जैक स्लॉट भी मिलेगा। एंड इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी हो सकता है। के स्क्रीन साइज़ की बात किया जाए तो आपको 6.2 इंचेस का एक फुल HD स्क्रीन मिलेगा जो उसमें एक वाटर ड्रॉप नॉच होगा। एंड आपको गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अगर आपको इसके बॉडी के बारे में जानना है तो उसके बॉडी वापस से आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलेगी जैसे 7A एंड 6A सीरीज में मिल रहा था। और अगर इसके एयर कैमरा की बात किया जाए तो इसमें आपको सिंगल कैमरा मिलेगा और जिसमें एक पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। ये फ़ोन एक बजट सेगमेंट फ़ोन होगा। कोई बजट सेगमेंट में फ़ोन देख रहे हैं तो उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर इसके कुछ और फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें आप कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो आपको स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर मिल रहा है वो 12nm पे बेस्ड होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट होने वाला है। और इसमें आपको बैटरी एक लास्ट लॉन्गर ड्यूरेबल बैटरी आपको इसमें मिल जाएगा। और ये फ़ोन के कुछ नेगेटिव बात किया जाए तो ये फ़ोन आपको टाइप सी में नहीं आएगा। ये फ़ोन आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करेगा। ये फ़ोन में दोबारा से आपको सिंगल रियर कैमरा मिलेगा। सो ये है कुछ इस फ़ोन के डाउन साइड। अगर हम इस फ़ोन के कुछ प्लस पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें आपको 4000mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, ये सब आपको मिलने वाला है। सो हाँ, यही था इस फ़ोन और इस फ़ोन से रिलेटेड कुछ अपडेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।